होप यू ऑल आर गुड। लेट स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर वर्ण एवं मात्राएं। यानी जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती हैं उन्हें हम वर्ण यानी लेटर कहते हैं। अगर बात करें लेटर के डिफिनेशन की तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम लेटर्स कहते हैं, वर्ण कहते हैं। दैट इज टाइप ऑफ वर्ण, जो टाइप ऑफ लेटर्स स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन जो है वो वर्ण के दो भेद हैं। पहला है आपका स्वर यानी वॉवेल, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं, जैसे अ आ ई ई उ ऊ री ए ए ओ और अ। अगला है आपका व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये 33 होते हैं, जो क से और ह तक के आपके अक्षर होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। बात करें अयोग वाह की तो जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं उन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, अंग अंग और अह। ये अंग की बात करें तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसका ये जो चिन्ह होता है ऐसा होता है, जैसे हम कंस हंस संगीत गंगा ये सब लिखते हैं तो इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये अंग जिसपे चंद्र बिंदु होती है, इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे आंख सांप पांच ऊंट ये सब लिखते हैं तो इसका यूज होता है। ये है अह, इसे हम विसर्ग कहते हैं जो कि आपके लेटर्स के बाद में लगता है और इसपे थोड़ा झटके से थोड़ा जोर देके इसे बोला जाता है, जैसे प्रातः नमः। ये सब आपका अयोग वाह में आता है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन यानी ज्वाइंट कॉन्सोनेंट, दो वर्णों के योग से बने वर्ण जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी दो कॉन्सोनेंट को जोड़ के जब हम कोई अलग कॉन्सोनेंट बनाते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन या ज्वाइंट कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ और श्र। क और श्र को मिला के 6 बनता है, जिसे हम छत्राणी क्षत्रिय क्षमा ये सब लिखते हैं। ज और ञ को मिला के ज्ञ बनता है, जैसे यज्ञ ज्ञानी ज्ञानेश्वर। त और र को मिला के त्र बनता है, जैसे त्रिभुज त्रिकोण त्रिशूल। और श और र को मिला के श्र बनता है, जैसे श्रम श्रमिक परिश्रम आदि। अगला है उच्छिप्त व्यंजन। हिंदी भाषा में ड और ढ वर्णों का भी समावेश किया गया है, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कपड़ा लिखते हैं, सिंधी लिखते हैं, तो इसमें जो ड और ढ का यूज होता है उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है हलन, व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाने वाली तिरछी रेखा को हलन्त कहते हैं। यानी जब भी हम व्यंजन कोई भी कॉन्सोनेंट लिखते हैं उसके नीचे जब हम ये वाला शेप लगाते हैं उसे हम हलंत कहते हैं। जैसे आप ट्रक लिखते हो, ड्रम लिखते हो, सूर्य लिखते हो, सूर्य के ऊपर र लिखते हो, क्रम लिखते हो, क्रम लिखने पे क के नीचे जो र लिखते हैं उसे हम हलंत कहते हैं। नेक्स्ट है मात्राएं। आप यहाँ हलंत अपनी बुक में देख सकते हो, अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ पे मात्रा भी लगा के दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका मात्राएं यानी वॉवेल मार्क्स। जब भी हम कोई अक्षर लिखते हैं, जैसे आपका यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, अ पे ये ई की मात्रा लगी है, द पे बड़ी ई की मात्रा लगी है, य पे आ की मात्रा लगी है, मा पे आ की मात्रा लगी है, तो ये सारी जो है इनके साथ जो ये जुड़ा हुआ है इसे हम वॉवेल मार्क्स यानी मात्रा कहते हैं। मात्रा जो होती है आपकी दो तरह की होती है, एक तो अपने मूल रूप में होती है और एक किसी व्यंजन के साथ मिला के होती है। मूल रूप मतलब जब हम सीधे सीधे अ आ ई ई के साथ कोई अक्षर लिखते हैं, कोई वर्ण लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, वो अपने मूल रूप में होते हैं। जैसे अगर आप अनार लिखो तो अ जो मात्रा है वो अपने मूल रूप में है। इमली लिखो तो ई जो है उसमें वो अपने मूल रूप में है। ऐनक लिखोगे तो ए जो है उसमें वो अपने मूल रूप में है। अगर हम इसे किसी व्यंजन के साथ मिला के लिखे तो ये आपका दूसरा मात्रा का रूप है। जैसे हम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मा पे आ की मात्रा मात्रा है, तो ये आपका किसी व्यंजन के साथ ये मात्रा लगा हुआ है, तो इसे मात्रा का दूसरा रूप यानी किसी व्यंजन के साथ मिला के लिखी हुई मात्रा कहते हैं। दैट इज, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया और इसे आप रीड करना। यहाँ पे देखो दिया हुआ है किसी व्यंजन के साथ मिला के जब ये मात्रा लिखी जाती है और यहाँ पे अपने मूल रूप में लिखी जाती है तो हम ऐसे उसको लिखते हैं। आप इस चैप्टर को रीड करना और इसमें जो भी डेफिनेशन दी गई है उसे लर्न करना। एंड स्टे होम स्टे सेफ।